हेलो दोस्तों, ये है Realme 9 5G और मैं इसमें BGMI टेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास ये फोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज में है। मैंने ये फोन खरीदा है 16,000 रुपीज में विदाउट एनी ऑफर, बट कभी कभी ये फोन 14 टू 15,000 रुपीज में भी मिल जाता है। और इस फोन में प्रोसेसर मिलता है MediaTek Dimensity 810, जिसका Geekbench स्कोर कुछ ऐसा आता है। बाय द वे, Dimensity 700 और Dimensity 810 के Geekbench स्कोर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो Realme 9 5G में Dimensity 700 से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। बाकी हमेशा की तरह मैं इस फोन में भी अराउंड 1 घंटा गेमिंग करने वाला हूं। गेमिंग से पहले फोन का बैटरी लेवल और टेम्परेचर स्टेटस आप देख सकते हैं। अब बारी है गेम लॉन्च करने की। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पे किसी भी स्मार्टफोन में गेमिंग टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट करता हूं, वो सभी स्मार्टफोन्स मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, इंक्लूडिंग Realme 9 5G। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं Realme 9 5G में BGMI के बारे में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए Realme 9 5G में गेमिंग के बारे में। BGMI लोड करने के लिए ये फोन ऑलमोस्ट 28 सेकंड्स लेता है, जो थोड़ा ज्यादा है अगर इसे कंपेयर करें Poco M3 Pro 5G से, जिसमें Dimensity 700 प्रोसेसर होने के बाद भी 27 सेकंड्स में BGMI लोड की थी। वापिस आते हैं Realme 9 5G पे। ये फोन स्मूथ ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें मैक्सिमम 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। बाकी ये फोन बैलेंस्ड पे अल्ट्रा और HD ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट सपोर्ट करता है, जो 30 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स है, और HDR सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है। मैं इसमें सबसे पहले 30 FPS में ही गेमिंग करने वाला हूँ। मैच स्टार्ट करते ही आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है। ऑल्दो मैं इस फोन में डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अच्छी डिस्प्ले है तो बेटर ग्राफिक्स मिल रहे हैं और ग्राफिक्स में डिटेल्स भी अच्छी मिल रही है। बाकी जायरोस्कोप परफेक्टली वर्क करता है, मतलब इसमें कोई डिले नहीं है, तो मुझे नहीं लगता जायरो प्लेयर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो 30 FPS में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, गेम प्ले भी काफी स्मूथ है, कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स फील नहीं हुए हैं, लेकिन टच कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिव है, जिससे टारगेट्स पे एम करने में प्रॉब्लम होती है। बाकी अब जो आप गेम प्ले देखने वाले हैं वो 40 FPS में रहने वाला है, और वैसे भी मैक्सिमम टाइम आप इसी ग्राफिक सेटिंग्स पे गेमिंग करने वाले हैं। We'll be right back.
40 FPS गेम प्ले में आपको रियल 40 FPS फील होगा, लेकिन डेफिनेटली 60 FPS की कमी जरूर लगेगी। बाकी 40 FPS के गेम प्ले में रेयर चांस है कि आपको कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो काफी अच्छी है, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। बाकी Realme 9 5G में आप मैक्सिमम 1080p तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन पे। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद भी गेम प्ले में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड गेम प्ले में एक्चुअल गेम प्ले से कम डिटेल्स मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Realme 9 5G में गेम प्ले काफी स्मूथ है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है इसमें, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाता है। और अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गेमिंग करते हैं तो कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स फील नहीं होगा। बाकी पूरे एक घंटे की गेमिंग में इस फोन ने 16% बैटरी लेवल कंज्यूम किया है, जो इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैनेजेबल है। और इस फोन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 41 डिग्रीज तक राइज हो जाता है, जो नॉर्मल है। तो इस फोन में आपको 60 FPS की कमी जरूर फील होगी। बाकी अगर ये फोन आपको 14,000 रुपीज के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप Realme 9 5G को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप Realme 9 5G में BGMI से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।